हर आदमी के खरीदने के पर्पज़ अलग अलग होते हैं। मुझे मैंने इसको अपने पर्पज़ के लिए लिया है, जिसमें मैं अपने गैजेट्स को, जितने भी आपके लिए रिकॉर्डिंग वगैरह करने पड़ते हो, उनको साथ रख पाऊँ, ऑफिशियली भी मैं अपने इसके साथ रख पाऊँ, और कई बार ट्रिप भी करने पड़ते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, तो इन दैट केस ये मेरी हेल्प करे। मैं एक ऐसा बैग चाहता हूँ जिसको मुझे बार बार ना बदलना पड़े, जिसके अंदर एक बार सामान फिक्स कर दिया, क्योंकि आपको पता है छोटी छोटी केबल्स होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अडेप्टर्स होते हैं, हालांकि उसके लिए भी मैंने अरेंजमेंट कर रखा है, बट फिर भी हर चीज़ हर बार बदलना थोड़ा सा हैक्टिक होता है। दैट्स वाई मैंने ये आर्कटिक हंटर का एक बैग खरीदा है। देखते हैं ये मेरे लिए कितना उपयोगी होगा। खरीद तो लिया, देखते हैं क्या फीचर्स हैं और कैसा है और कितना उपयोगी होगा, अनबॉक्सिंग से शुरू करके सभी प्रोज एंड कॉन्स तक इसी वीडियो में। तो आज की अनबॉक्सिंग एक टेक अनबॉक्सिंग नहीं है, बट टेक वालों के लिए अनबॉक्सिंग है। खोल के ही देख लेते हैं। तो ये है आर्कटिक हंटर का एक बैग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग दिखती है, बट ब्रांडिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कितना यूजफुल है और क्या आपके लिए सही रहेगा। स्टार्टिंग फ्रंट से ही करते हैं। तो देखिए, ऊपर अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे मटेरियल आप देख सकते हैं किस तरह का है। आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा हो, नहीं इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, तो वाटरप्रूफ मटेरियल यहाँ पे लगता है, रबराइज ऊपर से कोटिंग नज़र आती है कि इस तरह की कोटिंग है जिससे पानी इसके अंदर ना जा पाए। दो चेन है ऊपर की तरफ और दोनों चेन में डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये मेटालिक टाइप की है और यहाँ पे इस चेन के अंदर पूरी तरह से सब चीज़ों को कवर किया गया है। और यहाँ पे इसके जिप की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ब्रांडिंग इसके ऊपर आर्कटिक हंटर की आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली जिप थोड़ी सी स्मूथ कम है, बट एक दो बार यूज होगा तो ये स्मूथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये एक चेन दिखाई देती है और इसमें इसके अंदर है ये एक पॉकेट, और लंबी चौड़ी पॉकेट है, मैं सोच रहा था इतनी पॉकेट होगी, इतनी नहीं है, इतनी पॉकेट है, मेरा इतना हाथ इसके अंदर जा रहा है, तो लगभग यूँ मान के चलिए आप एक फिट के आसपास का ये पॉकेट है। यहाँ पे देखा जाए तो ये एक और पॉकेट है जो कि वाटर प्रूफ पॉकेट है, क्योंकि यहाँ से पानी इसके अंदर नहीं जा सकता, उसके लिए ये बनाई जाती है। और ये एक छोटी सी पॉकेट है, कोई भी सामान आप रखना चाहें तो इस तरह का सामान इसके अंदर आप रख सकते हैं। इन पॉकेट्स के अंदर और कोई खास दूसरी चीज़ें दे नहीं रखी इन्होंने, और यहाँ पर किसी टाइप की फोम वगैरह बीच में नहीं लगाई गई है, तो ये इसी तरह का है नॉर्मल क्लॉथ टाइप से। अब यहाँ पर कुछ बकल्स यहाँ पर दिए गए हैं। बकल्स की क्वालिटी की अगर बात करें तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वालिटी यहाँ पे महसूस होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रैप हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ हैं, साफ़ सुथरे हैं और अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दिखती है। बंद करने में या खोलने में काफ़ी इजी हैं, देखिए इस तरीके से पूरी आवाज़ के साथ बंद होते हैं, तो इट मीन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर कितने अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहली ऊपर की लेयर, इस कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं। इसका जो सबसे ऊपर का कंपार्टमेंट है जो कि पूरी तरह से नहीं खुलता, काफ़ी लंबा खुल जाता है। अरे वाह, ये क्या है? देखिए यहाँ पे अगर इसका बेस देखें तो लगभग आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 3 इंच के आसपास की ऊंचाई इसकी हो जाती है इस तरीके से। और चारों तरफ कुशनिंग दी गई है, सो दैट कि अगर आपका कोई कैमरा वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप करते हैं, लैपटॉप वगैरह इसके अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर अगर बाहर से कहीं चोट लगती है तो इसके अंदर वाले पार्ट्स के ऊपर जो भी मटेरियल है उसके ऊपर चोट नहीं लगेगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे ये एक मैस दी गई है, इस मैस के अंदर आप कोई टैबलेट वगैरह या लैपटॉप वगैरह रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे RFID का एक ऑप्शन दिया है इसके अंदर, ये खाली है यहाँ नीचे से ही, इसमें आप अपने RFID कार्ड वगैरह रख सकते हैं, जितने भी आपके कार्ड इस तरह के होते हैं तो वो आप इसके अंदर यूज कर पाएंगे, और दूसरे कार्ड आप रख सकते हैं। यहाँ पे ये एक पेन होल्डर और यहाँ पे मार्क भी बनाए गए, निशान बनाए गए हैं, दो पेन होल्डर हैं, एक पेन होल्डर ये है, एक पेन होल्डर ये है, दो पेन होल्डर हैं। और यहाँ से ये मोबाइल होल्डर आप इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे तो आपका मोबाइल यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, सो दैट कि पॉकेट में डाल के आपको ना घूमना पड़े। और यहाँ पे ये एक और पॉकेट है जिसके अंदर आप कुछ पेपर्स वगैरह या टैबलेट वगैरह रखना चाहें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये पॉकेट सिर्फ इतनी है, पूरी ज़्यादा अंदर तक नहीं है, मेरा हाथ इतना जा पा रहा है, तो सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी पॉकेट ये है, पूरी लंबी नहीं, बट पेपर्स वगैरह के लिए है, कोई आपको जल्दी से कैरी करने हो तो उस तरह के पेपर्स के लिए। चलिए अब यहाँ पे मैं ये दिखाता हूँ ये क्या है। तो आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ से देखिए, ये एक चेन दिख रही है आपको, यहाँ से ये एक चेन है और चेन के अंदर की ये कुशनिंग फटी हुई है या कैसे है मुझे नहीं पता, बट इन्होंने बना ही ऐसे रखी है। इसके अंदर ये एक USB पोर्ट दिया गया है और ये एक ऑडियो जैक,
यूएसबी पोर्ट आप पावर बैंक के अंदर लगा सकते हैं, या म्यूजिक आप सुनना चाहते हैं, कोई आईपॉड वगैरह या इस तरह का कोई भी डिवाइस आपके इसके अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर आप म्यूजिक के लिए लगा के छोड़ सकते हैं इसमें। और ये आती है यहाँ पे बाहर की तरफ, ये देखा, ये देखिए आप यहाँ से बाहर की तरफ आती हैं। ये इस तरह का क्यों बनाया गया, खोलना क्या है क्या यहाँ से? यस, अरे वाह, ये क्या है, ये इसके ऊपर चिपका हुआ है। बस इतनी सी डिटेल, आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, अपना नाम वगैरह वो यहाँ पे, और इसको उतार के यहाँ से आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं। खैर, ये था मेन चीज़। यहाँ पे ये यूएसबी पोर्ट दिया गया है जिसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं इस यूएसबी पोर्ट की हेल्प से। और नीचे 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, उसको आप लगा सकते हैं। तो जो पहला कंपार्टमेंट था उसमें लगभग 3 inch की ऊंचाई के साथ पूरे बैग का स्पेस आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये एक हैंडल दिया गया है इसको पकड़ने के लिए, इस टाइप से ये ऊपर की तरफ का हैंडल है, और एक हैंडल साइड में भी है, इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं। तो ऑफिशियली आप इसको कैरी करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक गड़बड़ इन्होंने कर रखी है कि बैलेंसिंग वेट की नहीं की, क्योंकि सिर्फ ऊपर के पार्ट के तरफ दिया है ये, इन्होंने ऊपर के पार्ट की तरफ दिया, ये बीच में होता कहीं इस तरह का अरेंजमेंट बनाते तो ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी तो ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा इस टाइप से, तो इसमें थोड़ा सा इनको डिज़ाइनिंग के अंदर ध्यान देने की ज़रूरत थी। इसके अंदर भी अच्छी खासी फोम दी है सो दैट कि आपके हाथ में ज़्यादा तकलीफ ना हो जब आप इसको उठाएं, क्योंकि वज़न तो इसके अंदर आप रखेंगे ही। खैर, अब ये पार्ट था, अब इसको खोलते हैं दूसरे पार्ट को। ये इसकी दूसरी चेन दी गई है, ये पहले मुझे ये बकल खोल ओपन करने पड़ेंगे इसके, ये मैं ओपन कर लेता हूँ। अरे वाह, ये 180 डिग्री ओपन होता है, और 180 डिग्री ओपन होने के बाद इस तरफ कुछ है नहीं। ये एक इन्होंने इस टाइप से हैंगर टाइप से बना के डिज़ाइन दिया है, जिसके अंदर यहाँ पे आप कुछ पेपर्स वगैरह और अपना जो ज़रूरी टॉयलेटरी सामान जितना भी है वो आप रख सकते हैं इसके अंदर। या ऐसा लगता है जैसे टूथपेस्ट वगैरह होगी, या कोई आपका शेविंग क्रीम वगैरह है, कोई भी चीज़ है इस तरह की जो लीक हो सकती है वो आप इसके अंदर रख के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे, चेन बंद कर देंगे तो लीक वगैरह होगा तो वो इसके अंदर रह जाएगा, आपके क्लोथ्स वगैरह ख़राब नहीं होंगे अगर आप यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह रखते हैं। और यहाँ से आप इसको इस तरीके से इसके अंदर, ये जो हुक दिया है इसके अंदर आप इस तरीके से लगा सकते हैं, तो ये इसके अंदर सेफ रहेगा। इस तरफ यहाँ पे ये एक मैश दी है इन्होंने, इस मैश के अंदर आप अपने कुछ क्लॉथ्स वगैरह रख सकते हैं। और इसके लिए देखिए हाइट अच्छी खासी हाइट है, लगभग 1 से 1.5 inch की हाइट यहाँ पे मिल जाती है। और इस तरीके से देखिए ये हो सकता है इतना, ये बन सकता है इतनी हाइट के साथ। तो कुछ कपड़े वगैरह इसके अंदर भी आ सकते हैं आपके, जो आपको रखने हों इसमें, या और कोई सामान रखना चाहें इस तरह का। सिर्फ इतना ही नहीं है कंपार्टमेंट, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट और, कोई कंपार्टमेंट नहीं है इसके अंदर। हाँ है, एक नीचे की तरफ कंपार्टमेंट और है, ये रहा नीचे की तरफ लास्ट कंपार्टमेंट जो इसका आता है। और ये पूरी तरह से ओपन नहीं होता, ये लैपटॉप के लिए बनाया है इन्होंने, बट मैं यहाँ पे कहूँगा इनको डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़रूरत थी सोचने की, क्योंकि इतना इतना सा खुलता है जिसके अंदर आप, यहाँ पे लैपटॉप दिखा रखा है इन्होंने कि लैपटॉप रख सकते हैं, बड़े से बड़ा लैपटॉप आ जाता है। और देखिए ये बिल्कुल अच्छा स्मूथ है, जिसके कारण आपके लैपटॉप के ऊपर किसी टाइप की कोई स्क्रैच लगने की कहीं कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे ये एक फ़ोन के लिए दिया है, फ़ोन के लिए दिया है, ये क्या है, एंटी मोल्ड पैकेज, ओके एंटी मोल्ड पैकेज। खैर इसको वापस ही डाल देते हैं। यहाँ पे आप छोटी टैब या फ़ोन रखना चाहें, ये लैपटॉप के लिए है, पूरी तरह से सेफ रहेगा, कोई स्क्रैच उसके ऊपर लगेगा नहीं। तो बट इनको अगर ये यहाँ से थोड़ा सा और ओपन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, बट ये अब और ओपन नहीं हो रहा, छोटा सा बन रहा है कंपार्टमेंट, तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट आपको खींच के ही निकालना है इसके अंदर से तो चल जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा एक चेन और दिखाई दे रही है, वो चेन किस चीज़ की है वो देखते हैं। यहाँ पे ये एक चेन और इन्होंने बना रखी है, इसको ओपन करते हैं, और ये चेन थी वो। देखिए यहाँ से ये है इसकी जो सबसे तगड़ी चीज़ है, वो देखिए एक्सटेंड हो रहा है, कितना एक्सटेंड हो जाएगा लेट मी चेक। अरे वाह, ये देखिए इसका मतलब जो आपका ये कंपार्टमेंट था, जो क्लोथ कंपार्टमेंट था, अब देखते हैं इसकी जगह, देखना अब इसमें, अभी देखना इसके अंदर कितनी जगह हो गई है। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और पूरा सूटकेस बन गया है ये आपका।
यहाँ पे आप इसके अंदर 3-4 जोड़ी कपड़े आराम से रख सकते हैं, आपके पैंट शर्ट या 3-4 जोड़ी, जो हफ्ते भर का आपका चल जाएगा काम इसमें, कुछ ऊपर की तरफ हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे हो जाएंगे, तो काफ़ी ये एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है, काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज़ इसका। तो यहाँ से आप इसके अपने क्लोथ्स वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं, ऊपर की तरफ आप चाहें तो अपना इसके साथ ये इस तरीके से हो गया, टॉयलेटरी के लिए ये हो गया, और ऊपर की तरफ आपके टैब वगैरह या इसमें भी कुछ कपड़े वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। बैक साइड में देखें तो ये एक इस टाइप से बटन दिया गया है, ये बटन किस काम के लिए है, ये बटन एक पॉकेट यहाँ पे बनती है, इसके अंदर भी अगर आप कुछ सामान रखना चाहें तो उसके लिए है, काफ़ी बड़ी पॉकेट है ये, पूरी की पूरी पॉकेट है, इसके अंदर भी कुछ आप रखना चाहें जिसको आपको बार बार निकालना पड़े इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो वो आप यहाँ पे इसके अंदर रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ये एक पार्ट दिया गया है जिसकी हेल्प से आप अपने सूटकेस वगैरह के साथ या ट्रॉली के साथ जो हैंडल है उसके अंदर आप लगा के इसको चल सकते हैं। पीछे की तरफ यहाँ पे कुशनिंग दी गई है और काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एयर वेंट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर से, सो दैट कि पसीना कम से कम आए। पीछे की तरफ के दो स्ट्रैप और ये भी क्वालिटी देखिए, काफ़ी थिकनेस काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे भी इसी टाइप के कुशनिंग की गई है, दोनों ही तरफ सेम टाइप की कुशनिंग यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ चीज़ आपको लटकानी हो तो उसके लिए अरेंजमेंट बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है, क्रेडिट कार्ड हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक छोटी सी पॉकेट यहाँ पे दी गई है, अपने ग्लास वगैरह आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, या आप ट्रैवल करना कर रहे हैं तो अपना एक्शन कैमरा या कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगाई जा सकती है। और ये नीचे की तरफ है जिसकी लेंथ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, कम या ज़्यादा इसकी काफ़ी ईजी है इसको लेंथ को कम करना। अरे वो ये भी बक्कल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये इसके अंदर से एक्सेस होती है क्या? यस, ये इसके अंदर से एक्सेस होती है। तो ये देखिए ये पॉकेट नहीं है एक्चुअल में, ये पॉकेट नहीं थी, ये इस काम के लिए है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करनी, आपको एज ए सूटकेस ये यूज़ करना है, तो आप इसके अंदर ये डाल दीजिए सारे की सारी जितनी भी हैं, और ये यहाँ से इसके अंदर चली जाएगी। मैं डाल देता हूँ इस टाइप से, ये यहाँ से इसको ओपन कीजिए, इसको यहाँ से इसके अंदर डाल दीजिए, और इसको यहाँ से इसके अंदर ठोक दीजिए इस टाइप से। और देखिए ये अरेंजमेंट इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर भी ये स्ट्रिप लगाए हैं सो दैट कि पता ना चले कि इसके अंदर हमने इस तरह कोई चीज़, और उसके बाद जब ये सारा काम हो जाए और तो ये आप इस तरीके से बंद कर दीजिए। अब महसूस भी नहीं होता कि इसके ऊपर इस तरह की कोई चीज़ भी थी इसमें, तो ये बैग पूरा बन जाता है इस टाइप से। और मैक्सिमम एक्सपेंड करके मैं एक बार इसकी चेन वगैरह बंद कर देता हूँ, आपको दिखाऊँ चेन वगैरह बंद करके मैं इसकी, तो फुल एक्सपेंशन के साथ कुछ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि फुल एक्सपेंड अगर इसको करते हैं तो इतनी थिकनेस के साथ ये हो जाता है, सो दैट कि आपको कोई सामान अपना लेना हो तो काफ़ी सामान आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। एंड अगेन वहीं एक छोटी सी समस्या तो यहाँ पे रहेगी, वेट बैलेंसिंग का तरीका यहाँ पे ठीक नहीं है इनका, ये देखिए इस टाइप से, तो सारा वेट इस तरह, बट आप ऑफिशियली थोड़ी ना इसको लेके चलेंगे कि यहाँ से आप इस तरीके से करके और ऑफिशियली चलेंगे, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो दैट्स वाई ये एक अच्छा बन जाता है भाई, यहाँ पे एक बार बंद कर देता हूँ इसको, और इस तरीके से आप इसको बंद कर पाएंगे। बंद करने के बाद इसकी थिकनेस फिर से उतनी सी हो जाती है, थोड़ी सी कम, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ले चल पड़ेंगे। तो ये कुछ है बैग, और साइज़ आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी रही होगी, कितनी हाइट रही होगी। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो काफ़ी ठीक है। तो ये था इसका कुछ डिज़ाइन। अब बात करते हैं इसे लेने से पहले इसके क्या प्रोज हैं, क्या कौनस हैं, उन सब के बारे में। सबसे पहले इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला और यहाँ पर मैं सबसे बढ़िया पॉइंट कहूँगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो रियल में गजब की है, गजब की।
तो चाहे वो हम इसके मटेरियल की बात करें, आउटर मटेरियल की बात करें, या हम इसकी चेन वगैरह की बात करें, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की दी गई हैं। हर तरीके से क्वालिटी के साथ यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। दूसरा प्रो यहाँ पे मुझे इसके लगा कि जो साइज़ है और जो बनाने का तरीका है साइज़ को, ये देखिए सिर्फ ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल आप कोई अपना सामान रख रहे हैं, ज़्यादा सामान नहीं है, तो ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट लगभग 3-3.5 इंच के आसपास का है, 3 इंच के आसपास, तो उसमें सामान आप कहाँ सकता है, आप सारा सामान ले सकते हैं। और नीचे वाला जो कि पूरी तरह से बंद रहता है, उसमें कुछ पेपर्स वगैरह आप रख सकते हैं, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है एज ए लैपटॉप। यहां पे मैं दिखाऊं आपको, इसको पूरा खोलने की आपको जरूरत नहीं है, बीच में से थोड़ा सा पार्ट आप खोलेंगे तो उसमें एज ए ये इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से आप इसमें कुछ अपना पेपर्स वगैरह रख सकते हैं बीच वाले पार्ट के अंदर भी, और जब आप कहीं बाहर हो तो इसको पूरा खोल के साइज बढ़ाया जा सकता है, लगभग डबल साइज हो जाता है इसका, तो वो बहुत अच्छी चीज है। स्ट्रिप्स वगैरह हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने चार्जिंग का ऑप्शन भी इसके साथ दे दिया है। तो ये कुछ इसके प्रोज थे जिसको मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा है, परंतु हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, आदमी गलती करता है, तो ये तो एक आम चीज़ें हैं, तो इनमें कुछ कमियाँ भी रह सकती हैं। इन्होंने इतना सब कुछ बनाया उसके बावजूद कुछ कमियाँ इसमें भी रह गई, वो क्या क्या है देखिए। जो मुझे कमी यहाँ पे पर्टिकुलरली लगी वो इसका जो चेन सिस्टम है वो है, हालांकि अच्छा बनाने के लिए उन्होंने ये इस टाइप की चेन दी हैं, परंतु वो 100-200 रुपए वाले बैग जैसी लुक देते हैं, तो ये थोड़ा सा अगर वो कुछ अच्छा बना देते इसमें, हालांकि चेन बहुत अच्छी हैं बट दिखने में लुक भी इम्पोर्टेंट होता है, ये थोड़ा सा लग रहा है। हाँ, इनसे थोड़ा सा महसूस होता है कि हाँ ये ठीक क्वालिटी की हैं, बट यहाँ पे बात करें तो जो डिज़ाइनिंग है उसमें थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे किया इन्होंने तो इसमें कर रखा है, कवरिंग पूरी तरह से है, ये बीच वाली बनाई है इसमें भी कवरिंग है, अगर ये भी कवरिंग के साथ बनाते तो थोड़ी सी अच्छी लगती, बट वो अपनी अपनी च्वाइस है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे कमी लगी वो थी इसका, इसके अंदर कोई भी एंटी थेफ्ट पॉकेट यहाँ पे नहीं है। खैर वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती, किसी को पसंद हो या ना हो, परंतु अब आगे आने वाली पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूँगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर एंटी थेफ्ट पॉकेट होती तो ज़्यादा अच्छा था। परंतु एक जो सबसे बड़ी कमी मुझे यहाँ पे दिखाई दी, इसमें कहीं पे भी बोतल होल्डर नहीं है। अगर आप पानी की बोतल साथ में रखते हैं तो यू कैन अज्यूम हाउ यू कैन कैरी, हालांकि उसका यहाँ पे जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप इनको अगर टाइट बंद करेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, टाइट फिट कर सकते हैं, बट उसको फिर बार बार निकाल नहीं पाएंगे। तो बोतल होल्डर की यहाँ पे मुझे खास कमी लगी। अगर ऑफिशियली यूज़ करते हैं तो आमतौर से बोतल की ज़रूरत होती नहीं है, तो वहाँ पे ये काम दे सकता है, बट अगर आप ट्रिप के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसको अपने साथ रख रहे हैं, देन इन दैट केस ये आपका हमेशा साथ रहने वाला बैग नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ये कमी रहेगी। इसके अलावा एक और कमी जो मुझे लगी कि इतना बैग उन्होंने बनाया है, हालांकि ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो सकता है क्योंकि जो मटेरियल बाहर से लग रहा है, बट चेन में से पानी जा सकता है, तो आई थिंक एक रेन कवर की तो ज़रूरत होती ही है, इसके साथ आपको रेन कवर नहीं मिलता। और ये कमी इसके एक और पॉइंट को, नए पॉइंट को जन्म दे देती है, वो है इसका प्राइस। 3,000 रुपये से ऊपर जाके आप एक ऐसा बैग खरीद रहे हैं, ट्रैवलिंग बैग है, ऑफिस बैग है, कन्वर्टिबल बैग है बेसिकली, जिसके अंदर आपको बोतल होल्डर नहीं मिलता, जिसके अंदर आपको रेन कवर नहीं मिलता, जिसके अंदर आपको एंटी थेफ्ट पॉकेट नहीं मिलती, और जिसके अंदर इतना प्राइस लगाने के बावजूद USB टाइप सी की चार्जिंग भी नहीं मिलती, तो आई थिंक ये सोचने वाली बात है। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, देन इन दैट केस मैं यहाँ पे कहूँगा क्वालिटी वाइज और बाकी सारी चीज़ें देखें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि बोतल होल्डर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, रेन में आप रहते हैं, या इस पॉइंट को अगर आप देख रहे हैं, देन इन दैट केस वो आपकी मर्जी है, बट ऑफिशियली आपको यूज़ करना है या जनरल ट्रिप्स के लिए या एज ए सूटकेस आप इसको यूज़ करेंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कैबिन बैग के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, देन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डील। अब बात आती है कि प्राइस, तो देखिए मैंने अमेजन सेल के अंदर इसको बाय किया है और लगभग 3,000 से थोड़ा सा ऊपर, 60-70 रुपये ऊपर होगा लगभग, इतने के प्राइस के आसपास मुझे ये पड़ा है। और ऑनलाइन अगर प्राइस देखें तो आई थिंक 3,300 के आसपास का इसका है, तो क्वालिटी वाइज जस्टिफाई करता है, बट सारी फीचर्स देखें तो आई थिंक दिस शुड बी एट अराउंड 2,500।
तो 2500 रुपये के 500-700 रुपये ये महंगा है, क्योंकि बैग एक पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज़ है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। मैंने आपको क्वालिटी दिखाई, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसके तरीके से हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई। अब आपको ये देखना है कि ये आपके कितने काम का है, आपको कैसा लगा, और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप भी लिखना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख देना, सो दैट कि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो समझ पाएँ कि कितना उनके लिए यूजफुल हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।